Hey guys, welcome back to my channel. Today I'm going to share about my invigilation experience in my own school. जी हाँ, यहाँ पे मैंने अपनी 12 साल की पढ़ाई की है और यहाँ पे मेरे पूरे खानदान ने पढ़ाई की है. तो let's have a quick glimpse of what I did in NTA invigilation duty. वेलकम बैक टू माई चैनल. आई इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कि ये मेरा एक स्मॉल वीडियो है, एक छोटा सा एक्सपीरियंस है ऑन वॉट इट फेल्ट लाइक डूइंग इन्विजिलेशन. एंड ऑफकोर्स लाइक आई सेड स्टार्टिंग में ही कि मेरी पूरी खानदान ने यहाँ से पढ़ाई की है. आई मीन इट, मेरे दोनों सिस्टर्स ने यहाँ से पढ़ाई की, मेरी नीज एंड नेफ्यू ने की, मैंने की. और वो भी ऐसा नहीं कि मैंने तो फर्स्ट से लेके ट्वेल्थ तक यहीं से पढ़ाई की है. और मेरे डैड ने जब ये स्कूल बन रहा था, फाउंडेशन ले हुआ था बैंगलोर में, देन से फ्रॉम देन टिल द रिटायरमेंट पापा की जॉब यही रही है. सो ही हैज सीन इट ग्रो. एंड ऑफ कोर्स माय सिस्टर्स आल्सो, हम लोग गोवा से आए हुए थे तो 6th से लेके 12th तक भी मेरी सिस्टर्स ने पढ़ाई की है यहाँ पे. सो बहुत एक क्लोज रिलेशनशिप रहा है रेलवे कम्युनिटी से या रेलवे कॉलोनी के लोगों से. एंड ऑल्सो इट फील्स सो गुड टू बी पार्ट ऑफ द एंटायर केंद्रीय विद्यालय फैमिली. अगर बात करें इन्विजिलेशन ड्यूटी की, तो साल भर में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं और हमारा स्कूल एक सेंटर हुआ करता था फॉर मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो कोई भी यू नो NTA का एग्जाम हो, आर्मी वाले या नेवी रिलेटेड एग्जाम्स, कुछ बहुत सारे एग्जाम्स होते थे. तो पापा को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती थी टू गो हेड एंड इन्विजिलेशन ड्यूटी करते थे पापा काफ़ी, मतलब मोस्ट ऑफ द सैटरडेज एंड संडेज बेसिकली यू नो यूज़ टू गो इन इन्विजिलेशन ड्यूटीज. तो इनिशियली तो जब तक मेरी थर्ड सिस्टर थी तो वो जाया करती थी. उसके बाद मैं जब वर्क करने लगी थी तो मुझे भी जो है अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं जाऊँ. तो मैं शायद 2-3-4 बार मैंने इन्विजिलेशन ड्यूटी की है. और स्टूडेंट का रिएक्शन रहता था जब मैं, मतलब जब मैं एंट्री ही करती थी तो क्योंकि ऑब्वियसली मैंने स्कूल काफ़ी टाइम हो गया था छोड़े हुए, तो जब मैं एंटर करती थी तो लोगों को लगता था कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मुझसे एडमिट कार्ड वगैरह मांगते थे. और बच्चे भी कन्फ्यूज होते थे, वो भी कहते थे कि आपका कौन सा क्लासरूम है एंड स्टफ. तो आई यूज़ टू फील गुड कि यू नो आई लुक दैट यंग कि लोग रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं दैट आई एम एन इन्विजिलेटर, जबकि एक बैच भी लगा होता था NTT के लिए एंड स्टफ. लोगों को बाद में रियलाइजेशन होती थी. सो हम जो है इन्विजिलेशन ड्यूटी जब भी होती थी तो ब्रीफिंग हो जाती थी, उसके बाद अपने अपने क्लास अलॉट हो जाते थे एंड स्नैक्स भी मिलते थे बच्चों को, बस देखने का होता था. इट वॉज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. और कहीं ना कहीं मैं भी, मतलब लोगों के पेपर्स में पीपिंग करके देखती थी कैसे क्वेश्चंस आए हैं, मुझे कितना आता है. और फिर जो चीज़ें नहीं आती थी तो आई यूज टू गूगल एंड डू स्टफ. तो दिस एंटायर एक्सपीरियंस हैज बीन ग्रेट. एंड ऑल्सो मस्ट टेल कि मेरे खुद के टीचर्स रहे हैं आसपास से इन्विजिलेशन ड्यूटी में जिन्होंने मुझे पढ़ाया है. तो ऑफकोर्स ये सब सिर्फ मेरे डैड की वजह से पॉसिबल था. आई फील लिटिल इमोशनल यू नो आई एम आउट ऑफ दैट प्लेस, लेकिन जिंदगी में चीज़ें बदलती हैं और हमें
हमेशा सेम चीज कैन नॉट गिव यू सेम अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस. तो चेंज इज समथिंग दैट हैज टू हैपन एंड इसे हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट्स गुड फॉर अस. एंड आई रियली वांट टू थैंक माय फादर फॉर दिस ऑफ कोर्स. और हाँ मतलब कमाए हुए जितने भी पैसे होते थे ना मतलब इट वॉज नॉट अ स्मॉल अमाउंट. ऐसा भी नहीं था कि बहुत कम पैसे मिलते थे. एक दो घंटे हैं या फिर चार पाँच घंटे के हमें 2,000-3,000 रुपये मिल जाते थे विच इज ह्यूज. एंड डिपेंड करता है एग्जाम टू एग्जाम की कितना मतलब यू नो विजिलेंस चाहिए या फिर बेस्ड ऑन एग्जाम मनी यूज टू बी गिवन. तो मैंने तो आई थिंक अराउंड 10K तक कमाया था एंड जस्ट दो तीन हाँ तीन चार तीन एग्जाम्स आई थिंक या थ्री एग्जाम्स. एंड पापा काफ़ी मतलब अर्न कर लेते थे एंड जो भी पापा ये इन्विजिलेशन ड्यूटी से कमाया हुआ पैसा जो भी पापा को मिलता था पापा यूज टू डोनेट दिस मनी. तो गांव में जाके पापा जो है विडोज को ओल्ड लेडीज को या यू नो जो भी लोग हैं गांव में नेसेसिटी जिनको है कपड़ों की या सब चीज़ों की वो उन्हें जो है डोनेट कर देते थे. दिस वॉज अ रिचुअल दैट माई डैड फॉलोड एंड दिस इज अ रिचुअल दैट इवन आई वॉन्ट टू फॉलो अहेड कि यू नो यू डू द नीडफुल फॉर द नीडफुल पीपल. And this is something I have learned and I want to continue this. And I also want my generation to do this because I think helping the needful person is the biggest satisfaction that a human can get, right? So yeah, I would like to just end my video here. Thanks for watching and I think it just adds up to my experiences from being an environmental engineer to doing modeling to being a student or an aspirant again to doing an integration duty. This is all like you know ye sab cheeze bahut kuch sikhayi hai mujhe and learning should never stop. That's all. Thanks for watching guys. I hope you have a good day and do not forget to like, share and subscribe to my channel.